बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ बैरियर्स टू डिस्पर्सल। बैरियर्स टू डिस्पर्सल, बैरियर टू डिस्पर्सल यानी कि ये बैरियर्स क्या चीज़ हैं? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि डिस्पर्सल को लिमिट कर देते हैं। ना सिर्फ डिस्पर्सल को लिमिट कर देते हैं बल्कि एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को भी महदूद कर देते हैं। बैरियर्स बेसिकली क्या हैं? बैरियर्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स डेट लिमिट, जो कि क्या कर देते हैं, महदूद कर देते हैं। किसको महदूद कर देते हैं? डिस्पर्सल को भी, ना सिर्फ डिस्पर्सल को बल्कि साथ साथ एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को भी महदूद कर देते हैं। डिस्पर्सल या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजम्स आर लिमिटेड। ये क्या है? बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर है जिसने क्या करना है, महदूद कर लेनी है डिस्पर्सल को। दूसरे लफ्ज़ में हम लोग कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजम्स की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या कर देना है, महदूद कर देना है। आप इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो कि जिसकी वजह से हम लोग जो है ना इसको समझ सकते हैं। बैरियर्स होते हैं ना हमेशा रिलेटिव होते हैं, क्योंकि बैरियर एक ग्रुप के लिए अगर बैरियर तो शायद वो दूसरे ग्रुप के लिए जो है ना वो डिस्पर्सल का जरिया बन सके, क्या कर सके, डिस्पर्सल का जरिया बन सके। अब ये डिस्पर्सल है ना, ये इस वजह से की जाती है ताकि जो एनिमल्स हैं वो आसानी के साथ जो है ना अपनी जो ग्रोथ है उसको कर सकें फॉर बेटर सर्वाइवल। बैरियर्स आर ऑलवेज रिलेटिव्स। बैरियर्स क्या हैं? हमेशा रिलेटिव्स हैं। उसकी रीज़न क्या है जी? ये बात तो हो गई है लेकिन इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ए बैरियर फॉर वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अगर एक ग्रुप के लिए बैरियर होगा तो शायद दूसरे एनिमल की टाइप के लिए वो क्या हो जाए, मीन्स ऑफ डिस्पर्सल का जरिया बन दे। फॉर वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स जबकि अगर अनदर ग्रुप हो, अगर दूसरा किसी जानवर का ग्रुप हो तो उसके लिए किसका जरिया बन जाए, मीन्स ऑफ डिस्पर्सल। इसको मजीद हम लोग जो है ना एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। वाटर है ना वो लैंड एनिमल्स के लिए जो है ना वो बैरियर है। वाटर क्या है? बैरियर है किसके लिए? लैंड मैमल्स के लिए। जबकि अगर हम लोग देखें तो ये बैरियर नहीं है एक्वेटिक ऑर्गेनाइजम्स के लिए। वाटर क्या है? बैरियर नहीं है। वाटर बैरियर है लैंड मैमल्स के लिए लेकिन नॉट बैरियर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या है, पावर ऑफ फ्लाइट है। एक्वेटिक एनिमल्स हैव पावर ऑफ फ्लाइट, पावर ऑफ फ्लाइट। बिल्कुल इसी तरह जो लैंड मैमल एनिमल्स है ना मे हैव देयर इन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड बाय हाई माउंटेन्स। अब जो लैंड मैमल्स के लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन की जाती है हाई माउंटेन्स तक। सिमिलरली अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑफ इट्स एवरी कॉन्सेप्ट।
सिमिलरली लैंड एनिमल्स मे हैव देयर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, इनकी जो मूवमेंट है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, किसके लिए, हाई माउंटेन्स के लिए। फिर है, लेकिन अगर हम बात करें फ्लाइंग एनिमल्स के हवाले से तो वो इजीली जो है ना फ्लाई करके जो है ना हाई माउंटेन्स को अबूट कर सकते हैं। फ्लाइंग एनिमल्स कैन क्रॉस द बैरियर, क्रॉस कर सकते हैं किसको, हाई माउंटेन्स को। तो इसके हवाले से फ्लाइंग एनिमल्स के लिए माउंटेन्स हैं बैरियर नहीं है, बल्कि लैंड एनिमल्स के जो है लिए जो है ना हाई माउंटेन्स वो क्या हैं, एक्ट कर रही हैं एज अ बैरियर के तौर पर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगेन इस चीज़ को जो बैरियर है ना वो नॉट हैव नॉट रिमेन्ड कंटेन इन जियोलॉजिकल पास्ट। जरूरी नहीं है कि अभी भी बैरियर वही हो जो हम लोग को जियोलॉजिकल पास्ट में हम लोगों ने देखा है फॉर स्पेसिफिक एनिमल्स। लैंड मासिस और सी जो बाउंड्रीज हैं वो शिफ्टेड होती हैं, जिनकी वजह से जो है ना वो जरिया बनती हैं डिस्पर्सल का, ठीक है, और या फिर वो किसका जरिया बन सकती हैं, बैरियर्स का। एनिमल्स के जो ग्रुप्स हैं ना बिकेम आइसोलेटेड, अलग हो जाते हैं या फिर ड्राइड हो जाते हैं या फिर न्यू स्पीशीज के अंदर इवॉल्व हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं और दूसरे भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसके अगर मिसाल देखें तो जो नो कैमल्स इन नॉर्थ अमेरिका टूर, आजकल जो है ना, मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, बैरियर्स हैव नॉट रिमेन्ड constant in geological past, लेकिन जो ये land masses ये ज़मीनी रकबा है और sea जो boundaries है हैव शिफ्टेड, वो क्या हो जाती है, शिफ्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ डिस्पर्सल। ये जब चीज़ें शिफ्टेड हो जाती हैं तो किसका जरिया बनती हैं, मीन्स ऑफ डिस्पर्सल का जरिया बनते हैं, ठीक है। और साथ साथ जी ये जो सी बाउंड्रीज है ना, मीन्स ऑफ डिस्पर्सल या फिर क्रिएटिंग बैरियर, या फिर किसका काम आ सकते हैं, बैरियर के तौर पर काम आ सकते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिकेम आइसोलेटेड, या फिर वो आइसोलेटेड हो जाते हैं एनिमल्स के ग्रुप, ठीक है, या फिर ड्राइड आउट हो सकते हैं। इसमें कंडीशंस क्या आ जाती हैं, अगर लैंड मैसेज और सी बाउंड्रीज अगर शिफ्ट हो जाती हैं तो उसके नतीजे में क्या चेंजेस आ सकती हैं, कि जो ग्रुप है ना एनिमल्स का, ग्रुप of animals became isolated हो सकता है, ठीक है, या फिर died, या species जो है ना वो मर सकती हैं died out, या फिर evolved हो सकती है एक new species के अंदर, evolved into न्यू स्पीशीज। अब इसकी हम लोग जो है ना एग्जाम्पल जो है ना मैं आप लोग को बताने लगी हूँ कि इसके लिए कौन सी एग्जाम्पल बेस्ट रहेगी। एग्जाम्पल जो था ना नॉर्थ अमेरिका में अभी तक कोई कैमल नहीं था, नो कैमल किसमें, नॉर्थ अमेरिका में टू डे, ये बात याद रखिएगा, आज की बात हो रही है टू डे।
बट देयर फॉसिल्स आर फाउंड देयर इन अबंडेंस। लेकिन हम लोगों ने ये चीज देखी कि जो कैमल्स की जो फॉसिल्स थे ना, वो बहुत अबंडेंट थे वहां पे नजर आए। कैमल्स फॉसिल्स अबंडेंट, कहाँ अबंडेंट? नॉर्थ अमेरिका में, इन नॉर्थ अमेरिका। अब ये जो फॉसिल्स हैं, ये इस बात की इंडिकेशन करते हैं कि एक ऐसा भी दौर आया था कि जब नॉर्थ अमेरिका के अंदर ना जबरदस्त किस्म की जो थी ना तादाद, वो कैमल्स की पाई जा रही थी। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ कैमल्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? अब हम लोग ये देखते हैं कि कितनी कैटेगरीज हैं बैरियर्स की। ठीक है, कितनी कैटेगरीज हैं बैरियर्स की, उसको हम लोग जो है ना स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स, इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले बात करूंगी फिजिकल बैरियर के हवाले से, ठीक है। दूसरी आ जाती है हमारे पास क्लाइमेटिक बैरियर्स, और थर्ड में आ जाती है जी बायोलॉजिकल बैरियर्स। अब जो है ना हमारे पास फिजिकल बैरियर्स, इसमें हमारे पास माउंटेन्स आ जाते हैं, ओशंस आ जाते हैं, डेजर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। जबकि क्लाइमेट बैरियर्स की बात करें, तो इसमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और लाइट है। एंड थर्ड इज दी बायोलॉजिकल बैरियर्स, तो इसमें आ जाती है वेजिटेशन, प्रीडेटर्स और कॉम्पिटिशन वगैरह आ जाते हैं बायोलॉजिकल बैरियर्स में। सबसे पहले हम किसकी बात करने लगे हैं? फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर्स, सबसे इसमें आ जाता है पहला पॉइंट है जी माउंटेन्स। जो हाई एक्सटेंसिव माउंटेन्स रेंजेस है ना, वो भी इफेक्टिव टोपोग्राफिकल बैरियर है, जिसने एनिमल्स को प्रिवेंट करना होता है कि वो क्रॉस ना कर सके माउंटेन्स को। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है माउंटेन्स? क्या है ये? इफेक्टिव टोपोग्राफिकल बैरियर है, जिसने क्या करना होता है, इसका काम क्या है, जिसे फंक्शन ये है, फंक्शन ऑफ माउंटेन्स प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट टू क्रॉस, किसके क्रॉस को? एनिमल्स के क्रॉस। क्लियर? अब मिसाल के तौर पर हम लोगों ने देखे तो हमालयान माउंटेन, कौन सी माउंटेन? हमालयान। एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज की। हिमालयान माउंटेन्स, ये जो है ना, ये इफेक्टिव बैरियर है इंडिया और यूरेशिया के दरमियान। ये क्या है? ये बैरियर है, इस किसके दरमियान? इंडिया और यूरेशिया के दरमियान। ठीक है, जबकि हम लोग साउदर्न साइड देखे ना, तो हमारे पास वहां पे मॉइस्ट हॉट प्लेस नजर आते हैं इंडिया के।
जिसमें एलिफेंट्स हैं, राइनोसिरोस हैं, टाइगर्स हैं, डियर है, पीकॉक है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग नॉर्थ साइड देखें, किसकी बात करें, साउथ साइड के हवाले से, सदर्न साइड, तो इसमें क्या है जी, मॉइस्ट हॉट प्लेन्स हैं। किसके, इंडिया, इंडिया की बात करें, और वहां पे क्या मौजूद है जी, एलिफेंट, एलिफेंट्स हैं, ठीक है, और टाइगर्स हैं। एलिफेंट्स आ जाते हैं, टाइगर्स आ जाते हैं, डियर्स हैं, पीकॉक हैं, ठीक है। जबकि हम लोग इंडिया की नॉर्थ साइड की अगर बात करें, नॉर्दर्न साइड की, तो इसमें आ जाती है हमारे पास क्लाइमेट बीइंग टिम्परेट। जो क्लाइमेट है ना नॉर्दर्न साइड का, वो क्या है, टिम्परेट है, जो कि इस बात की निशानदेही करा कि फाना जो है ना, उसमें एनिमल जो आ जाते हैं वो ऑक्सीन है, शीप है, पिग्स है, क्या आ जाते हैं, टिम्परेट क्लाइमेट की वजह से। इसमें क्या चेंजेस आती है नॉर्दर्न साइड में, कि जो एनिमल्स है ना, जो फाना है इसमें, वो है ऑक्सी, शीप है। नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, शुड बी कीप इन योर माइंड, पिग्स वगैरह हैं, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा। तो ये देख लें कि किस तरह से जो है ना, वो टेम्परेचर का, इनके माहौल का इफेक्ट हो रहा है। सदर्न साइड इंडिया में क्या मौजूद है, गर्म जो है ना मैदान है, मोइस्ट हॉट प्लेन्स है, जिसमें एलिफेंट्स और टाइगर्स नजर आते हैं। जबकि अगर इंडिया के ही हम लोग नॉर्दर्न साइड की बात करें, उसमें रीजन टेम्परेट है, ऑक्सीन, शीप और पिग्स वगैरह हम लोग को स्टडी करने को नजर आते हैं। ये कौन सा बैरियर मैंने एक्सप्लेन किया है, माउंटेन्स फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ वाटर बॉडीज, किसकी बात की है मैंने, वाटर बॉडीज की बात करने लगी हूँ। वाटर बॉडीज, अब लार्ज वाटर बॉडीज जिसमें आ जाते हैं ओशंस वगैरह आ जाते हैं, समंदर आ जाते हैं, उसमें एक जबरदस्त किस्म का भी, ये भी बैरियर है टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच एनिमल्स, जैसे कि एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स वगैरह के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा जो है ना वो बैरियर है, बैरियर फॉर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के लिए, रेप्टाइल्स के लिए और मैमल्स के लिए। अच्छा, ये सी एक्ट एज एन इफेक्टिव बैरियर कैन बी वेल इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जाम्पल ऑफ, अगर जो मैं एग्जाम्पल देने लगी हूँ ना, उस जबरदस्त किस्म की जो है ना इस वाटर बैरियर को एक्सप्लेन करेगी। किसकी एग्जाम्पल देने लगी हूँ, वाटर बॉडीज बैरियर के हवाले से एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ वाटर बैरियर, एग्जाम्पल मैंने लिया जी मोजम्बी, क्योंकि ये एक चैनल है, एक सेपरेट मेडागास्कर आइलैंड है, जिसके अंदर जो है ना ये मेनलैंड अफ्रीका के अंदर जो है ना एग्जिस्ट करता है। इसने सेपरेट किया हुआ है किसको, मेडागास्कर को, ये एक आइलैंड है, इसकी मेन लैंड अफ्रीका से। ये क्या है, बैरियर है इन दोनों के दरमियान, मेडागास्कर आइलैंड और मेन लैंड अफ्रीका के दरमियान जो है ना मोजम्बिक चैनल क्या है, एग्जा बैरियर काम कर रहा है।
ये जो चैनल है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो फन है ना, उसमें दो रीजन्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट है। ये कितने किलोमीटर चौड़ा है? 40 किलोमीटर तक चौड़ा है। और इसमें जो फन है ना, टू रीजन्स हैं, डिफरेंट हैं और वाजह तौर पर नजर आते हैं इसके अंदर। अगर हम लोग मॉडर्न एम्फीबियंस की बात करें ना, तो सी वाटर जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव बैरियर है। इसकी बात करें हम लोग, अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग मॉडर्न एम्फीबिया के हवाले से, तो इसमें क्या आ जाता है जी, समंदर का जो पानी है ना, सी वाटर ज़्यादा इफेक्टिव बैरियर है, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट है वो पॉइजनस है इन एनिमल्स के लिए। क्योंकि सी वाटर के अंदर जो साल्ट है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसके लिए क्या है, ये मॉडर्न एम्फीबियन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बैरियर है। और अगर हम लोग फ्रेश वाटर फिशेज की बात करें, इसकी फ्रेश वाटर फिशेज, फ्रेश वाटर फिशेज में जो है ना, ये भी प्रिवेंट करती हैं, खुद को बचाती हैं इन लार्ज बॉडीज ऑफ साल्ट वाटर से, ठीक है। क्योंकि क्या मौजूद होता है इनमें, साल्टी वाटर होता है, प्रिवेंट करती हैं खुद को ड्यू टू साल्ट। वाटर बॉडीज आर नॉट बैरियर टू दूज एनिमल्स विच हैव सस्टेन पावर ऑफ फ्लाइट, लाइक बर्ड्स और बैट के लिए जो है ना वाटर बॉडीज वो क्या है, बैरियर नहीं है। वाटर बॉडीज आर नॉट बैरियर, ये क्या है, ये बैरियर नहीं है। किस किस के लिए बैरियर नहीं है? फ्लाइंग एनिमल्स के लिए। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, बर्ड्स और बैट वगैरह। ये था वाटर बॉडीज के हवाले से। नेक्स्ट बात करती हूँ डेजर्ट, थर्ड फिजिकल बैरियर की बात हो रही है, जो क्या है, डेजर्ट। एक्सटेंसिव ड्राई डेजर्ट जो है ना वो इफेक्टिव बैरियर है। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं ना, वो इस काबिल नहीं होते कि वो सरवाइव कर जाएं लॉन्ग पीरियड के लिए विदाउट वाटर, पानी के बगैर जो है ना वो लंबे अरसे तक जो है ना सरवाइव नहीं कर सकते। और यू नो वेरी वेल कि डेजर्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होते हैं, तो ये क्रिटिकल फैक्टर है जो कि एनिमल्स को क्रॉस नहीं करने देता, एनिमल्स को क्रॉसिंग से बचाता है। डेजर्ट्स में क्यों नहीं डिस्पर्सल हो सकती, उसकी रीज़न ये है, इसमें हाई टेम्परेचर है और साथ साथ इसमें क्या है जी, वाटर की कमी है। इसकी कमी है वाटर की। स्कॉर्सिटी, वाटर की कमी है। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एनिमल्स को प्रिवेंट करते हैं कि जो डेजर्ट का जो लंबा डिस्टेंस है उसको कवर ना करें। अब नेक्स्ट है जी, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सी एग्जाम्पल है जो कि डेजर्ट जो है ना बैरियर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सहारा डेजर्ट जो है ना, इट अफोर्ड्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सहारा, सहारा डेजर्ट। अब ये जो सहारा डेजर्ट है ना, इसने क्या करना है, इट फॉर्म्स द एरिया ऑफ डीमार्केशन। इसने इथोपियन और पैलारेक्टिक रीजन के अंदर जो है ना, ये इसमें इथोपियन और पैलारेक्टिक रीजन, इथोपियन में और पैलारेक्टिक रीजन के दरमियान ये क्या है, काम कर रहा है एज अ बैरियर के तौर पर काम कर रहा है सारा डेजर्ट। साउथ जो एनिमल्स हैं ना, लाइक जेब्रा वगैरह, एलिफेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जबकि
वो एनिमल्स जो कि एब्सेंट होते हैं इसकी नॉर्थ साइड पे, इसलिए ज्यादा बहुत ज्यादा बहस है कि इसकी नॉर्थ जो है ना उसमें भी मैमल्स प्रेजेंट है, जैसे कि पिग्स, ऑक्सिन, गॉर्स वगैरह। और इस तरह एक कालाहारी डेजर्ट है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके अंदर भी वाजिया जो ना फाना पाया जाता है, सेंट्रल अफ्रीका का डिस्ट्रक्टिव फाना मौजूद होता है। तो इसकी मैंने किसकी एग्जाम्पल आपको दी है, काला हारी डेजर्ट। ये किसमें रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से जो है ना वाजिया किस्म का जो फाना है ना सेंट्रल अफ्रीका में पाया जा रहा है। ये थी थ्री फिजिकल बैरियर्स। पहले मैंने बताया माउंटेन्स के बारे में, ठीक है, दूसरी मैंने बात की वाटर बॉडीज के हवाले से, एंड दी थर्ड इज दी डेजर्ट। अब नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ क्लाइमेटिक बैरियर्स के हवाले से। किसके हवाले से, क्लाइमेटिक बैरियर्स। इसमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी और लाइट आ जाते हैं। ह्यूमिडिटी, ये जो है ह्यूमिडिटी है ना, ऐसे एनिमल्स आर टू बी फाउंड अंडर वेरी ह्यूमिड कंडीशंस ओनली। इसमें ऐसे ही जानवर पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ह्यूमिड कंडीशन के अंदर जो है ना अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। एनिमल्स फाउंड अंडर वेरी ह्यूमिड कंडीशंस ओनली, स्पेशली ये बात जरूरी है, जबकि दूसरे जो होते हैं ना वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि ड्राई हैबिटेट हो। कुछ जो एनिमल्स क्या कर रहे होते हैं, प्रेफर कर रहे होते हैं कि कौन सा इन्वायरमेंट हो, ड्राई इन्वायरमेंट हो। बहुत ज्यादा सबटेरेनियन एनिमल्स हैं।